Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the oxidation number method. ठीक है, हम यहाँ पर oxidation number method discuss कर चुके हैं, यानी कि हम आपको redox reaction को balance करने के दो method हमने आपको बताए थे. एक तो oxidation number method यानी कि oxidation अंग विधि, और एक ये अर्ध अभिक्रिया विधि यानी कि half reaction method. तो आज हम दूसरा मेथड यानी कि हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि. अर्ध अभिक्रिया विधि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक तो ऑक्सीकरण अंक विधि, एक अर्ध अभिक्रिया विधि. तो अर्ध अभिक्रिया विधि को हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी कहते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि. ठीक है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं और अर्ध अभिक्रिया भी बोलते हैं. ठीक है, तो आज हम इस मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे एक एग्जांपल लेके. तो चलिए आज हम आपके बुक का एक एग्जांपल लेते हैं. बुक का एग्जांपल है Fe+2. ये रहा, मैं एक एग्जांपल बुक का दे रहा हूँ जो बुक में ही गिवन है. ठीक है, Fe+2+ साथ में आपको रिएक्शन गिवन है Cr2O7-2=2. आपको दे रखा है Fe+3+Cr+3. ये आपके पास रिएक्शन गिवन है और ये रिएक्शन आपको गिवन है एसिडिक मीडियम में. ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जब आप हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन मेथड उसमें ये सब गिवन है. अब बच्चों स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है वो यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखो. तो सारे आयन ही है, Fe+2 आयन है, Cr2O7-2 ये पूरा एक आयन है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है. तो हमारा स्टेप नंबर वन तो यही है बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा ये है कि जो भी रिएक्शन आपको दी जाती है क्वेश्चन के अंदर उसको हम आयनिक इक्वेशन में लिखते हैं, आयनिक समीकरण में लिखते हैं. तो ये एक आयनिक समीकरण में हमने लिख दिया. इसके बाद स्टेप नंबर टू ये कहता है कि सबसे पहले पता लगाओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए, जब भी हम पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है. तो चलिए बच्चों मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखता हूँ. यहाँ पर Cr2O7 Fe का तो +2 है, सबको दिखाई दे रहा है. क्रोमियम का कितना है, तो क्रोमियम का हम बात करेंगे 2x-14=-2 यानी कि +6 आएगा. कितना आएगा बच्चों यहाँ पर +6 आएगा. तो यहाँ क्रोमियम +6 में है. देखो +2 से +3 में जा रहा है, सबको दिखाई दे रहा है. तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ये हमें पता लगाना है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है. +2 से +3 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो +2 से +3 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेकिन ये क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो अपचयन. तो हमें स्टेप नंबर फर्स्ट में ही ये पता लगा लेना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, हाफ रिएक्शन मेथड में हमें यही पता लगा लेना है स्टेप फर्स्ट में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. और ये कैसे पता चलता है, ये चलता है ऑक्सीडेशन नंबर से, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल. अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर दो रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, हम इन पूरी रिएक्शन के दो टुकड़े करेंगे. एक टुकड़े में मुझे केवल वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखना है और दूसरे टुकड़े में यानी कि दूसरी रिएक्शन मुझे रिडक्शन लिखनी है. दो रिएक्शनों में बांट लेना है, इस एक रिएक्शन को मुझे दो रिएक्शनों में बांट लेना है. देखिए कैसे, Fe+2 से आपका बन गया Fe+3. ठीक है, तो ये वाला आधी रिएक्शन बना लिया आपने, इस आधी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो गई है. इसी तरह अपचयन वाली बना लो, इधर Cr2O7-2 से बन रहा है आपका Cr+3. ये अपचयन यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप एक रिएक्शन को दो हिस्सों में बांट लो. तो हमारा स्टेप नंबर सेकंड हो गया ये. तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है
कि प्रत्येक रिएक्शन को, हर एक रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक ऑक्सीडेशन में और एक रिडक्शन में, ठीक है। तो जो भी आपको रिएक्शन दी जाती है उसको दो हिस्सों में बांट लो, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को अलग लिख लो और अपचयन वाली को अलग लिख लो, ऑक्सीडेशन वाला हाफ पार्ट अलग कर लो, रिडक्शन वाला हाफ पार्ट अलग कर लो। अब बच्चों जो भी काम करना है ना वो इन दोनों में करते चलना है और इक्वल चलना है, ठीक है। मैं जो भी काम इस रिएक्शन में करूंगा जैसे जैसे इसको बैलेंस करूंगा वैसे वैसे साथ के साथ मुझे इसको भी बैलेंस करना है। तो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री दोनों के लिए है। अब स्टेप नंबर थ्री में हमें क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट दोनों रिएक्शनों के अंदर, देखो मैं फिर कह रहा हूं जो भी काम मैं यहां करूंगा वही काम मैं इधर भी करूंगा, ठीक है। दोनों रिएक्शनों के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है। किस किस को छोड़कर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो अदर एलिमेंट है, जो दूसरे तत्व हैं, उनको बैलेंस करना है सबसे पहले। तो देखो यहां पर आयरन को बैलेंस करेंगे, आयरन यहां भी एक है यहां भी एक है, तो पहले इक्वल है तो एजिटिव लिख देंगे Fe प्लस टू, इससे बन रहा है Fe प्लस थ्री। कोई डाउट? इधर आ जाओ, इधर भी स्टेप नंबर थ्री चलेगा हमारा, स्टेप नंबर थ्री। ये आपके पास स्टेप नंबर टू था, ठीक है। तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, क्रोमियम को बैलेंस करो। क्रोमियम यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, तो आपके पास हो जाएगा Cr2O7-2। तो ऐसे कैसे, इसके भी आगे कितना लगा देंगे? टू लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2Cr+3। तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट जितने भी हैं उनको बैलेंस करना है। यहाँ पर क्रोमियम टू है, इधर क्रोमियम एक है, तो टू लगा देंगे आगे बैलेंस हो जाएगा। इधर आयरन एक था, इधर भी एक ही है, बैलेंस है। स्टेप नंबर चार, स्टेप नंबर चार दोनों के अंदर करना है मैंने कहा ना। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की बारी। देखो बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे अगर मीडियम एसिडिक हो, ठीक है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं, क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं है, तो इसको एजिटिव लिख देंगे Fe+2 से Fe+3। अगर यहां होता तो हम बैलेंस करते, लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है इसलिए एजिटिव लिख दिया। इसमें ऑक्सीजन है तो हमारा स्टेप नंबर फोर, मैंने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 7 ऑक्सीजन इधर है, तो मैं लिख रहा हूं Cr2O7-2, और इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 7H2O मैं यहां पर ऐड कर दूंगा, 7H2O। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने ऑक्सीजन इधर साइड है उतने ही मुझे इधर साइड ऐड करने हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बच्चों मैंने यहां पर ऐड कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो बड़ा इजी स्टेप है। अब यहां पर हाइड्रोजन आ गया, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जो भी काम कर रहा हूं दोनों तरफ कर रहा हूं। अब वापस आओ स्टेप नंबर फाइव में, स्टेप नंबर फाइव, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए H+ ऐड किया जाता है। तो क्या इधर हाइड्रोजन है? नहीं है, तो जैसा है वैसा की वैसा लिख दो Fe+2 से Fe+3, कोई हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इसमें भी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या है H+ को ऐड करना पड़ता है। इधर इस साइड 7 × 14 14 हाइड्रोजन है और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहाँ 14H+ ऐड कर देंगे, साथ में Cr2O7-2 ये एजिटिज है, 2Cr+3 एजिटिज है, 7H2O एजिटिज है। तो बच्चों स्टेप नंबर फाइव इधर भी हो गया, स्टेप नंबर फाइव इधर भी हो गया, दोनों तरफ स्टेप नंबर फाइव कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बारी आती है चार्ज को बैलेंस करने की। इस मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रिएक्शन को हाफ हाफ करके बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर चार्ज को बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चार्ज को बैलेंस करेंगे। आ जाओ चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो स्टेप नंबर सिक्स, अब यहां पर हमें चार्ज को बैलेंस करना है। स्टेप नंबर सिक्स में चार्ज को बैलेंस करना है, इधर है +2 इधर है +3। चार्ज को बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही करेंगे और कुछ ऐड नहीं करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों में ध्यान रखना है अच्छी तरीके से,
इधर प्लस का 2 है, इधर प्लस का 3 है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करता हूं तो प्लस के 3 में से एक गया तो 2 बन जाएगा, और अगर मान लो गलती से आपने इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड करना है जिधर से चार्ज इक्वल हो जाए। तो बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड किया जाएगा, देखो Fe+2 Fe+3, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं एक इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर ऐड कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने। जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब चार्ज इक्वल हो गया दोनों तरफ। चेक करो इधर चार्ज कितना है, प्लस का 2, इधर चार्ज देखो प्लस का 3 और माइनस का 1, टोटल मिला के प्लस का 2, दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आपको चार्ज इक्वल करना है, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां चार्ज इक्वल करते हैं, देखिए 14 प्लस और माइनस का 2, टोटल इधर आ गया, इसके इसको इक्वल करना चार्ज, तो यहां गया प्लस का 12। इधर आ जाओ, प्लस का 6 दे रखा है ना, इधर प्लस का 12, इधर प्लस का 6 है, तो क्यों ना मैं यहां पर माइनस का 6 कर दूं तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मुझे इधर ऐड करने पड़ेंगे। अरे माइनस 6 कर दूंगा, 12 में से 6 गए तो प्लस का 6 बन जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करने पड़ेंगे, इस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका स्टेप नंबर जो 6 है इसमें, उसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस, बाकी एजिटी लिख दें, फिर प्लस Cr2O7-2, फिर एरो, फिर 2Cr+3, फिर 7H2O। तो बच्चों स्टेप नंबर 6 में आपको इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज बैलेंस करना है दोनों रिएक्शन में। अब इसके बाद आपको दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों तरफ इक्वल कैसे हो, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रॉन या 6 है, या अब दोनों को देखना है कंपैरिजन, इतना काम पूरा करने के बाद अब दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना मैं इस पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 6Fe+2। देखो पूरी रिएक्शन को करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, इस पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, 6Fe+2 एरो, 6Fe+3, फिर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए करना है लास्ट में आपको, ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। एक बात ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन लास्ट में इक्वल करना है, हो गए दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों रिएक्शनों को हम ऐड कर देंगे दोबारा, जैसे आपने अलग करी थी वैसे दोनों रिएक्शनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका ये होता है बच्चों, एडिशन का तरीका ये होता है कि जो इस टेल की तरफ आते हैं वो एक साइड होते हैं सारे, ये टेल वाले एक साइड और हेड वाले एक साइड, और टेल और हेड की तरफ जो चीज इक्वल होती है वो कट जाती है। तो मैं यहाँ ऊपर इस पूरी दोनों रिएक्शनों को एक साथ लिखकर ऐड करना आपको सिखा देता हूँ। चलो मैं दोनों को एडिशन सिखाऊंगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, बच्चे ध्यान से देखेंगे और हमारी टोटल रिएक्शन आ जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अच्छी तरीके से। एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, आपका मीडियम था एसिडिक, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में थी, तो जहां तक आपने एच प्लस के लिए किया है, अगर आपका मीडियम एल्केलाइन हो तो भी एच प्लस तक ही ऐसे एज इट इज करना है जैसे मैंने किया। बस लास्ट में जाके जितने एच प्लस आपने ऐड किए हैं उसके बाद एक स्टेप और इंक्रीज रहता है, जितने एच प्लस ऐड किए हैं उतने ही ओ एच माइनस दोनों साइड ऐड करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में यहां तक, और एल्केलाइन मीडियम में यहां तक स्टेप सेम आएगा। मीडियम कोई सा भी हो, एसिडिक हो, एल्केलाइन मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, स्टेप नंबर 6 तक सेम आएगा। चार्ज इक्वल करने से पहले यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने से पहले आपको जितने एच प्लस ऐड किए हैं आपने उतने ही ओ एच माइनस दोनों साइड ऐड करने हैं, जब मीडियम बेस हो, एल्केलाइन मीडियम हो, क्षारीय माध्यम हो, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम, तीनों माध्यम में आपको स्टेप नंबर 5 तक एज इट इज करना है, एच प्लस एड करने तक एज इट इज करना है, ठीक है।
तो चलो मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूं। तो दोनों रिएक्शनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, देखो। हाँ जी, पहली रिएक्शन ये है, दोनों को ऐड कैसे करते हैं लिख देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 एच प्लस प्लस Cr2O7 माइनस 2 एरो का साइन, उसके बाद 2Cr+3, उसके बाद 7H2O, ठीक है। अब मैं इस वाली रिएक्शन को लिख रहा हूँ, इसके नीचे 6Fe+2 एरो का साइन, 6Fe+3, ठीक है, साथ में प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, ऐड करने का तरीका, जो टेल होता है, टेल की तरफ दिख रहा है आपको, टेल की तरफ अगर दोनों तरफ सेम चीज आ रही है तो कट जाएगी। देखो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इसमें हेड की तरफ 6 आ रहे हैं, तो दोनों अपोजिट आ गए, ये कट जाएंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन इधर, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बची हुई चीजों को एक साथ लिखो, कुछ टेल वाले एक साइड लिखो, सिर वाले एक साइड लिखो, लिखो 14H+, फिर उसके बाद Cr2O7-2 लिख दिया। अब इसके बाद ये वाला लिखो, टेल टेल वाले एक तरफ लिखो, हेड वाले एक तरफ लिखो, पूंछ वाले एक तरफ लिखो, सिर वाले एक तरफ लिखो, तो 6Fe+2, ठीक है। उसके बाद एरो आ जाएगा। अब इधर जो बचे हैं उनको लिख दो सबको, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सिर वाले एक तरफ लिखना है, पूंछ वाले एक तरफ लिखना है, 7H2। ये रिएक्शन आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस इक्वेशन है। अब इसको चेक किया जाएगा फाइनल स्टेप में, कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तत्वों की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए, और दोनों तरफ चार्ज भी समान होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, देखो 14H+, 14 तो प्लस का हो गया, माइनस का 2, प्लस का 6 × 12 और प्लस का 12, ठीक है, तो कितना हो गया 14 और 12, इधर देखो 3 × 6 प्लस का 6, 6 × 18 प्लस का 18, दोनों मिलाकर हो गया 18 और 6 = 24, ठीक है। इधर आ जाओ, 14 में से 2 गए तो 12, 12 और 12 24, तो ये प्लस का 24, दोनों तरफ चार्ज इक्वल है, दोनों तरफ चार्ज इक्वल है। एलिमेंट देख लो, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, 6Fe 6Fe, 2Cr 2Cr, इट मीन्स हमारी रिएक्शन एकदम करेक्ट है। तो ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इसी तरह आपको फिर अन्य अदर रिएक्शंस भी बैलेंस करनी है। तो बच्चों ये था एल्केलाइन मीडियम में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना। लेकिन सपोज दैट यही रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में किसी रिएक्शन को बैलेंस करना, सपोज दैट यही रिएक्शन अगर एल्केलाइन मीडियम में हो, तो ये हमने कौन से मीडियम में करी है अभी, एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में करी है, अम्लीय माध्यम में। अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं और कहूं इसको क्षारीय माध्यम में करो, एल्केलाइन मीडियम में करो, तो बच्चों हमने जिस स्टेप में H+ ऐड किया था ना, जितना H+ ऐड किया जाता है उतना ही OH- उसी रिएक्शन में दोनों साइड ऐड करेंगे। इस रिएक्शन में इधर की साइड हमने H+ ऐड नहीं किया था, इधर किया था, तो जिधर किया था उतने ही OH- 14H+ किया था हमने, देखो 14H+ किया था, तो 14OH- इधर भी और 14OH- इधर भी ऐड करते हैं, ठीक है। और H+ और OH- दोनों मिलकर वाटर बना लेते हैं, तो 14H2O बन जाएंगे, 14H2O फिर 7H2O से 7H2O बन जाएंगे। इस तरीके से हम आगे करेंगे इस रिएक्शन को, मैं करके दिखा देता हूँ एक आपको, इसमें नहीं अलग नई रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला हम एक रिएक्शन और कर लेते हैं, उसको हम एल्केलाइन मीडियम में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम के अंदर अगर कोई रिएक्शन दे रखी होगी तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 8.10 है एग्जांपल नंबर आपकी बुक का, तो चलिए हम इसी को करा देते हैं बच्चों। आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है MnO4- + I- और ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 साथ में I2,
ये रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम क्षारीय माध्यम, बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम में कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले पता करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। पता नहीं भी चले तो इतना तो पता लग रहा है कि ये MnO4 है और ये MnO2 है, इसको अलग कर लो, या I-I2 इसको अलग कर लो, ठीक है। तो दो रिएक्शन हो जाएंगे आपके पास बच्चों। देखो MnO4 है यानी कि Mn यहाँ पर +7 में है, ठीक है, और Mn यहाँ पर +4 में है, तो +7 से +4 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, तो ये हो गया आयनिक मेथड स्टेप नंबर फर्स्ट, कि कोई भी रिएक्शन होगी उसको पहले आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, लिख दिया। स्टेप नंबर सेकंड, दोनों रिएक्शनों को या पूरी रिएक्शनों को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट ये बना दिया मैंने MnO4- से MnO2, एक तो ये बना, और दूसरा पार्ट में इधर बना देता हूं I- से I2, ठीक है बच्चों। अब स्टेप नंबर थ्री में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। पहले रिएक्शन के दो पार्ट करें, स्टेप नंबर टू में दो पार्ट करने हैं, एक ऑक्सीडेशन को अलग करना है, रिडक्शन को अलग करना है। स्टेप नंबर थ्री में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर दूसरों को एलिमेंट को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को छोड़ दो, Mn इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एज इट इज लिख दो, MnO4- इधर भी है, MnO2 इधर, ऐसी कैसे बराबर। इस वाले स्टेप में, यहाँ स्टेप नंबर सेकंड था ये, अब स्टेप नंबर थ्री में हमने ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, आयोडीन को बैलेंस कर रहे हैं, तो 2I- से बन रहा है आपका I2 बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी, स्टेप नंबर फोर, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, इधर चार ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन, तो इधर कम है तो इधर दो H2O जोड़ देंगे, तो MnO4- MnO2 +2H2O, कितनी ऑक्सीजन जोड़ने के लिए, दो ऑक्सीजन कम थी तो दो H2O जोड़ देंगे, जितनी ऑक्सीजन कम होगी उतने वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड कर देने हैं, जोड़ देने हैं। इधर ऑक्सीजन है क्या, स्टेप नंबर फोर, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, जितने हाइड्रोजन उतने H+, चार हाइड्रोजन है तो चार H+ इधर ऐड करेंगे, 4H+ स्टेप नंबर फाइव में, स्टेप नंबर फाइव, जितने हाइड्रोजन उतने H+, 4MnO4- सॉरी 4H+ प्लस MnO4- MnO2 प्लस 2H2, इधर स्टेप नंबर फाइव एज इट इज, क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर फाइव में आपको 4H+ आपने ऐड किए, जितने हाइड्रोजन है। देखिए बच्चों, स्टेप नंबर फाइव तक कोई सा भी मीडियम हो, चाहे एल्केलाइन हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, यहां तक तो सब रिएक्शन के अंदर आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर माध्यम एल्केलाइन मीडियम आ जाए तब इसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। यहां तक सब में कॉमन है, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, लेकिन अगर मीडियम एल्केलाइन आ जाए तब इसके बाद चेंज आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए क्या चेंज आता है मैं बताता हूँ। क्षारीय माध्यम होने पर इसके बाद क्या करना है, देखिए, जितने H+ आपने ऐड किए हैं और जिधर ऐड किए हैं, देखो मान लो आपने इधर चार H+ ऐड हुए, इधर एक भी नहीं हुआ, तो बस इसी की बात करेंगे। जितने H+ आपने ऐड किए हैं उतने ही OH- दोनों साइड में ऐड होने हैं, उधर नहीं, इसी रिएक्शन के दोनों साइड में, इस एरो के दोनों साइड में उतने OH- आपको ऐड करना है। तो चलिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, स्टेप नंबर आपका सिक्स आएगा। देखिए जितने H+ ऐड किए हैं, चार H+ तो चार ही OH- हम इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, उसमें नहीं, इसी रिएक्शन में, तो चार OH- प्लस 4H+ प्लस MnO4- इज इक्वल्स टू MnO2 प्लस 2H2O प्लस, अब देखो 4OH- मैंने कहा था दोनों साइड ऐड करने, तो इस साइड भी 4OH- आपको ऐड करने हैं, ठीक है। हाँ जी, अब इधर बारी, इस वाली रिएक्शन की बारी, यहां पर कोई भी
H प्लस आपने ऐड नहीं किया था, इसलिए इस रिएक्शन को स्टेप नंबर 6 में फिर से एज इट इज लिखते हैं, 2I माइनस इज इक्वल टू I2। बोलो ये सुन लो। अब बच्चों बारी है स्टेप नंबर 6 में कुछ करेक्शन करने की। इतना करने के बाद देखिए H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बनाते हैं, 4 H प्लस है 4 OH माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4H2O। बोलो इधर 4H2O इधर 2H2O, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ से दो कट जाएगा, तो आपके पास कितना H2O बचेगा, इसमें 2H2O आपके पास बचेगा। तो इस रिएक्शन को अब मैं ओवरऑल देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, तो इन सब की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 2H2O लिख सकता हूँ। तो आपके पास आ गया 2H2O प्लस MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO2, फिर प्लस क्या बचा इधर 4OH माइनस। अब ये रिएक्शन आपके स्टेप नंबर 6 की रिएक्शन है, ये तो आपके लिए बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई। तो क्या करना है, जितने H प्लस आपने ऐड किए उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड करना है, उसके बाद H प्लस और OH माइनस को जोड़कर वाटर बना देना है। बना दिया, अब इधर 4 वाटर हो गए, इधर 2 वाटर है, तो वाटर से वाटर कैंसिल हो सकता है, इधर 2 है इधर 4 है तो कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा। तो अब मेरे पास ओवरऑल 2H2O MnO4 माइनस MnO2 और 4OH माइनस, ये मेरा स्टेप नंबर 6 है। अब स्टेप नंबर 6 ये आया है और इधर स्टेप नंबर 6 ये आया है, दोनों तरफ अब हम इनमें चार्ज की बात करेंगे। आइए चार्ज की बात करते हैं। स्टेप नंबर 7 चार्ज बैलेंस करेंगे, स्टेप नंबर 7 हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। देखिए जी इधर है माइनस का 1 चार्ज और इधर है माइनस का 4 चार्ज, तो क्यों ना मैं 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं। अगर मैं माइनस का 3 इधर ऐड कर दूं तो ये भी माइनस का 4 बन जाएगा, तो कुल मिला के मुझे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया इसमें, अभी उसकी बारी है। देखो 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो गया, इधर भी माइनस का 4 है, तो इस तरीके से यहाँ पर चार्ज बैलेंस हो गया। इधर आ जाओ स्टेप नंबर 7, यहाँ भी चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर माइनस का 2 इधर 0 है, तो क्यों ना 2 इलेक्ट्रॉन में इधर ऐड कर दूं, तो आपके पास हो जाएगा 2i माइनस इज इक्वल टू i2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास चार्ज बैलेंस हो गया। बच्चों अब आप गौर से देखो, चार्ज बैलेंस होने के बाद मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल कैसे करें, यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो किसी हाल में इक्वल नहीं हो सकते। तो जब ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस रिएक्शन को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और इस पूरी रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये बढ़िया सा फंडा है कि इनके इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 6 हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो यहां पर नई इक्वेशन आई है आपके पास, 3 2 6 i माइनस, ठीक है, 3 को 3i2 बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसी तरह इसको करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, 2 को 3 से 2 से मल्टीप्लाई करो 4H2O बन जाएगा, प्लस फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2MnO4 माइनस बन जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ बन जाएगा 2MnO2 बन जाएगा, प्लस 4 2 8 OH माइनस बन जाएगा। तो ये आपके पास आया है, इधर जो आपके पास आया है मल्टीप्लाई करने पर वो ये आया है, इधर मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, इसके इलेक्ट्रॉन इक्वल हो चुके हैं, अब हम दोनों रिएक्शनों को ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें दोनों रिएक्शनों को ऐड करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन इक्वल हुए उसके बाद ही आपको दोनों को ऐड करना है और आपकी रिएक्शन आपको बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी। चलो ऐड करते हैं हम अब, चलिए ऐड करते हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O
प्लस टू एम एन ओ टू एम एन ओ फोर माइनस इज इक्वल टू, उसके बाद टू एम एन ओ टू प्लस आठ ओ एच माइनस, और इधर वाली सिक्स आई माइनस एरो का साइन थ्री आई टू, ठीक है ये एरो का साइन ये लो लंबा कर दो, हाँ जी कितना थ्री आई टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जो दोनों तरफ इक्वल होते हैं उनको काट देते हैं, ये कट गए ठीक है। चलिए लिखिए फोर एच टू ओ प्लस सिक्स आई माइनस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तीन चीज इधर बच रही है लिख दिया मैंने, एरो का साइन टू एम एन ओ टू प्लस आठ ओ एच माइनस प्लस थ्री आई टू। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहले चार्ज, यहाँ पर सिक्स माइनस का टू माइनस का एट चार्ज है, इधर इधर भी आपके पास माइनस का एट चार्ज है, तो चार्ज इक्वल हो गया। एलिमेंट चेक करो एक बार, चेक करना है हर रिएक्शन को बैलेंस करके। चार दुनी आठ हाइड्रोजन है, आठ हाइड्रोजन है, चार ऑक्सीजन ये रही, चार दुनी आठ ये रही, तो आठ और चार बारह ऑक्सीजन हो गई, दो दुनी चार ऑक्सीजन ये रही, आठ ये रही, बारह ऑक्सीजन हो गई, सिक्स आयोडीन हो गया, तीन दुनी छह आयोडीन हो गई, दो एम एन है, दो एम एन है, इसका मतलब सारे एलिमेंट भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। इस प्रकार आपको क्षारीय माध्यम एल्केलाइन मीडियम में भी रिएक्शन को बैलेंस होना का बैलेंस करना आना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार मीडियम कोई सा भी हो, एल्केलाइन हो या एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, क्षारीय हो अम्लीय हो या उदासीन हो, सबसे पहले आपको एच प्लस वाले स्टेप तक तो सब में करना है, और उसके बाद ही अगर क्षारीय माध्यम हो तो उतने ही ओ एच माइनस आपको दोनों तरफ जोड़कर वाटर बनाकर कट करके और लास्ट फाइनल इक्वेशन लिख के आगे एज इट इज इलेक्ट्रॉन से चार्ज को बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके और फिर आपको रिएक्शन को एंड करना। तो इस तरह आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह आपको बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब आप बुक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज आने वाली है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और मिलते हैं अब नए वीडियो में आप एकदम नए टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।